श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू बाक्य बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखने जा रहे हैं 7 नंबर के ठाकुर जी की सिंपल सॉबर समर ड्रेस बनाना। देखिए, ये ड्रेस कुछ इस तरीके से है। इस पर मैंने ये सीक्वेंस वाली फैब्रिक का यूज़ किया है। इस पर मैंने किसी तरह की कोई डेकोरेशन नहीं की है। ये सिंपल है और विदाउट, ये देखिए, ये मैंने जो है वो विदाउट बुकरम विदाउट केन बनाई है। इसमें मैंने सिर्फ आरकंडी का यूज़ किया है और ये ठाकुर जी को पहनाने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी चोली जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें बनाने के लिए किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैंने ये सीक्वेंस फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक से मैंने पहले भी एक ड्रेस बनानी बताई है, ये मैं दूसरी ड्रेस बना रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक मेरा बहुत डिमांड में है। तो ये ड्रेस 7 नंबर ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने किसी बुकरम का यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए, ये इसके साथ मैंने आरकंडी ली है, नॉर्मल जो आरकंडी होती है सेम कलर में। देखिए, इसे मैंने एक सीधी पट्टी के उसमें कट किया है। ये देखिए, इसकी जो मैंने लेंथ ली है इधर से, जो सॉरी विड्थ है, ये मैंने 7.5 इंच ली है, ठीक है। और पट्टी की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 70 इंचेस। दो बार लेकर के मैंने, ये देखिए, बीच में इस तरह का जोड़ लगाया है, ठीक है। तो सेम मैंने यही 7.5 इंच लंबी और 70 इंच चौड़ी जो ले सकते हैं आप, वो मैंने आरकंडी कट कर ली है। तो मैं अब इन दोनों को इस तरीके से, देखिए, अटैच करूँगी। पहले इन दोनों को इस तरीके से अटैच करूँगी। पहले हम सीक्वेंस वाला फैब्रिक रखेंगे, नीचे आरकंडी, उसके बाद इसे मैं नीचे से इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड कर दूँगी ताकि इसका हमारा कोई थ्रेड निकले नहीं, ठीक है। तो मैं पूरी पट्टी पर इस तरीके की सिलाई लगा लेती हूँ और यहाँ साइड से भी मुझे ये सिलाई लगानी है, तो मैं ये दोनों सिलाई लगा लेती हूँ। कि मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। एक स्टिच मैंने यहाँ लगाया है ताकि ये फैब्रिक अलग अलग ना हो, और एक स्टिच मैंने यहाँ पर लगाया है फोल्ड करके ताकि हमारे थ्रेड्स जो निकले नहीं। ये नीचे वाली साइड है, ये ऊपर की साइड है। अब टोटल लेंथ जो है वो मेरे पास 7 इंच रेडी है क्योंकि 1/2 इंच मैंने नीचे फोल्ड कर दी है। तो अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का प्रोसीजर वही है जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ प्लेट्स। ये देखिए, प्लेट्स मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। ये हम थोड़ी गहरी प्लेट्स डालेंगे क्योंकि ये बड़ा घेरा है, इसमें फैब्रिक हमारे पास ज़्यादा होता है, तो हम प्लेट्स गहरी गहरी अच्छी सी बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। तो यही प्रोसीजर है मेरा प्लेट्स डालने का। तो ऐसे ही करते हुए मैं पूरा राउंड जो है वो रेडी कर लूँगी इस प्लेट्स को डालते हुए। तो मैं प्लेट्स डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ये पूरी प्लेट्स डाल ली हैं और ये दिखने में कितनी प्रीटी लग रही है। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क आ रहा है जब मैं इसमें डोरी लगाऊंगी तो ये हो जाएगा क्लियर। और देखिए, पहनाने में कितनी प्रीटी लगेगी ठाकुर जी को ये ड्रेस। तो चलिए अब यहाँ डोरी लगा लेती हूँ। डोरी बताना मैंने अपनी रेड साटन ड्रेस में इजीली बताया हुआ है, वैसे काफ़ी वीडियोस में बताया है बट उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन करके बताया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं ये डोरी लगा करके ये ड्रेस को कम्प्लीट कर लेती हूँ और इसकी चोली भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेंटर में डोरी लगा ली है और ये घेरा बिल्कुल सेट हो गया है और कितना पिटी लग रहा है। देखिए, इसकी चोली मैंने इस तरीके से बनाई है जैसा कि मैंने पहले पहले वीडियोस में बनानी बताई है कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत आसान होती है बनानी और पहनाने में भी बहुत ईजी है। तो ये थी मेरी समर सिंपल ड्रेस बनानी जो कि एक सीक्वेंस फैब्रिक से बनी है। इस पर किसी भी तरह की कोई भी अनदर डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही इतनी पेटी लग रही है। और ख़ास तौर से जो उसका कलर है बेबी पिंक कलर, वो और भी पेटी लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी ड्रेस के साथ। तो खुश रहिए और ठाकुर जी के ऐसे ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाते रहिए। जय श्री कृष्णा।